हाँ, कलयुग के पिछले सावन में मैंने बोला था कि मैं मातंगी मुद्रा की दीक्षा दूंगा। फिर नवरात्रि आई, कई लोगों ने हाथ जोड़ा के मातंगी मुद्रा दे दो प्रभु, क्योंकि मातंगी मुद्रा एक ही है। मुद्राएं 36,000 करोड़ शास्त्रों में बताएं, 7 करोड़ ही मंत्र है, ध्यान रखना। मंत्र कितने हैं? 7 करोड़। मुद्रा है 36,000 करोड़। एक ही मुद्रा के बारे में शंकर जी ने कहा है कि ये मुद्रा पर मेरा आशीर्वाद है। स्वयं शंकर जी ने अगर ये कहा है तो ये मातंगी मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? मातंगी मुद्रा। क्या होता है मातंगी मुद्रा? कल जो मीनाक्षी माँ की बात की, भाई मीनाक्षी मतंग ऋषि की पुत्री बन के मातंगी बनी, वही मदुरई मीनाक्षी है जिसको भगवती की मंत्रिणी कहा जाता है। राजा कुछ नहीं करता, जो करना मंत्री को ही करना पड़ता है। राजा तो राजा है, तो मातंगी मुद्रा क्या करता है? जितना धन आपने सोचा उतना धन आकर्षित करके घर तक लाता है। मन में डर हो, मुद्रा करते 5वें दिन के अंदर कैसा भी अनजाना डर हो, जाना डर हो, भाग जाता है डर। जय गुरुदेव। स्त्रियों को गर्भाशय में बीमारी हो, कोई बहने पीसी वोड़ी के प्रॉब्लम में हो, समय पर मासिक धर्म में नहीं होती हो, तो बराबर 27वें दिन निरंतर रूप से मासिक धर्म सही हो जाता है। इस मुद्रा से, मातंगी मुद्रा से, पाचन अच्छा होता है। सबसे बड़ा विशुद्धि चक्र जाग जाता है। मातंगी मुद्रा वाक सिद्धि की मुद्रा है। आप जो बोलोगे दुनिया मानने लगेगी, कंठ में शक्ति आ जाती है। जय गुरुदेव। क्योंकि मातंगी का एक नाम है राज श्यामला, यही मातंगी है जो वीणा शुक पानी तोता सब लेके बैठी है। श्यामला का ये मुद्रा वाक विद्वता देता है। जो बोलोगे उसमें बल होगा, किसी को कुछ बोल दिया उसको सिर झुकाना पड़ेगा, ऐसी शक्ति आती है उस मुद्रा। ये मुद्रा कल दोपहर में कथा में यहाँ उपस्थित लोगों को मैं देने वाला हूँ। जय जय गुरुदेव। लेकिन ये मुद्रा दो प्रकार से दूंगा। कितने प्रकार से? दो प्रकार। कैसे? दो तरह के मुद्रा है क्या महाराज? मुद्रा तो एक ही तरह का है। देखो भाई, कंबे से करंट डायरेक्ट खींच के बल्ब जलाया, मेन स्विच से निकाल के जलाया, किस में प्रकाश होगा भाई राजू? ज्यादा किस में होगा? कंबे से डायरेक्ट कनेक्शन निकाल के घर में जलाया, मेन स्विच से निकाल के जलाया, प्रकाश किस में ज्यादा होगा? अरे कंबे वाले में सीधा कनेक्शन आ रहा है तो वोल्टेज और पावर ज्यादा होगा ना भाई? होगा ना भाई? जी भगवान। तो जो कल गुरु के रूप में मुझे मान के दीक्षा लेंगे, उनको मातंगी मुद्रा मंत्र दीक्षा के रूप में मिलेगी। और जिनको ऐसे ही सीखना है, वो नौ सीखियों को वो मुद्रा मिलेगा, वो नौ सीखिया मुद्रा। एक ये मुद्रा कल डायरेक्ट कंबे से कनेक्शन होके आएगा, एक वाया थ्रू होके दो तरह से कल मिलेगा। किस किस को डायरेक्ट कंबे से लेना है वो कंबे से ले लेंगे, जिस जिस को वाया थ्रू लेना है वो भी लेंगे, लेकिन दोनों तरह से मिलेगा तो सबको मिलेगा, तो सबको। देखो भाई, ऐसा भी होता है क्या महाराज? ऐसा होता है महाराज, माएं बेटी है उनको पूछो, अपने बच्चे बैठे हैं पास में, छुट्टियों में छुट्टी मनाने ननंद के बच्चे भी आए हैं, वो भी सब साथ में बैठे, 7 लोग बैठे हैं, 3 अपने बच्चे ने, 4 ननंद के बच्चे। अब इसने बाटी रखी है सबके थाली में, घी डालती जा रही है, अब क्या करेगी महाराज बोलो? ये माँ भी तो वही करेगी, अपने बच्चों की बाटी में तो घी ज्यादा ही डालेगी। जय जय। हाँ, ननंद के बच्चे तो ननंद के ही है, ना आए आनंद वो है ननंद। हाँ, इसलिए ननंद के बच्चों के तो बाटी में घी कैसे पड़ेंगे, और ननंद जाने। और ऐसे धीरे से थोड़ा कुछ तो करती जाएगी कि नहीं, सोचो। तो वही कल होने वाला है। किस किस को कल सीखना है? हम सभी को भगवान। तो कल मातंगी, मातंगी यानी विद्याओं की देवी। कौन सी देवी? विद्याओं की देवी। हाँ, राज श्यामला। देखो, सरस्वती जो नहीं दे सकती है, शास्त्र कहता है कि सरस्वती जो नहीं दे सकती है वो मातंगी दे सकती है, क्योंकि सरस्वती वाक देवी कहा जाती है। सरस्वती वाक की देवी है, वाणी की देवी है, और श्यामला तो समस्त जगत के संपूर्ण चराचर चल अचल विद्या की देवी है, मातंगी श्यामला।
और भगवान शंकर अपने स्वयं के मुख से कहते हैं शिव तंत्र में कि अगर किसी के हाथ में मातंगी मुद्रा है तो उसको दुश्मन कभी कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में मातंगी मुद्रा है। जय जय गुरुदेव। क्या मुद्रा है? मातंगी मुद्रा।